जिंदगी में आई हो ना, एक पल सुकून का उसे नसीब नहीं। मेरी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं है, तुम आजाद हो इन सबसे। मैं तो समझ जाता कि वो दानिश के साथ खुश नहीं है, उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो मुझे एक बात का अंदाजा हो गया। तुझको तुझसे छुपा के दानिश को बहुत प्यार करती है। तेरा ये जीवन दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बेटिया जामा सीरियल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, उसमें काफी ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है। दोस्तों, जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि फिजा अगली एपिसोड में दानिश की काफी ज्यादा ईमानदारी करेगी, उसकी खिदमत करेगी, लेकिन ये सब देखकर दानिश की माँ जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगी। वो फिजा से कहेगी कि जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो तब से वो मुसीबतों में ही है। दोस्तों, अगली सीन में हमें दिखाया जाएगा फिजा दानिश के लिए सूप लेके आती है, लेकिन दानिश अपने तौर पर उसे सिर्फ ये कहता है कि ये तुम जो कह रही हो मेरे लिए, तुम इस सबसे आजाद हो, लेकिन फिजा इसका बहुत ही अलग मतलब समझती है। दोस्तों, अगले सीन में हमें दिखाया जाएगा कि हानिया का फारिस के साथ जो रिलेशन बनता जा रहा है उससे उसकी फूफो काफी ज्यादा नेगेटिव लेती है और घर में काफी बड़ा इशू क्रिएट कर देती है। हानिया इस बात को लेकर काफी ज्यादा मायूस और नाराज हो जाती है अपने वाले से कि अपने दो परी बेटियों की वजह से मुझे फिर भी ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं।